मंदसौर जिले की 3 विधानसभा मंदसौर, शामगढ़ और सुवासरा में भाजपा ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। सुवासरा से बीजेपी प्रत्याशी ने शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हरदीप सिंह डंग से आईबीसी 24 के संवाददाता दीपक शर्मा से खास बातचीत की। बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी हो चुकी है और मंदसौर जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। हमारे साथ में है सरदार जी हरदीप सिंह डंग जी, किस तरह से देखते हैं? मैं सभी वरिष्ठ नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि राष्ट्रीय पार्टी जो हिंदुस्तान में तो अपना पहचान रखती है पर पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी का टिकट मिलना अपना में बहुत बड़ी बात होती है। 2018 और पार्टी का टिकट मिलना अपना में बहुत बड़ी बात होती है। 2018 और 2023 को किस तरह से देखते हैं? 18-13 ये जो चुनाव देखे गए हैं उसमें ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और मेरा मानना है कि जो कांग्रेस में जब लड़ा था तो बहुत कम अंतर से जीत हुई थी और यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बलबूते पे ये पार्टी चुनाव लड़ती है। क्या मुद्दे रहेंगे खासतौर से आपकी विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि लगातार मुद्दे उठते हैं? मुद्दे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि जो कई वर्षों से आज़ादी के बाद जो चंबल का पानी खेतों पर नहीं पहुँचा था वो शिवराज जी ने पहुँचाया। स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ 3-3 सिविल हॉस्पिटल, 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिए। जो सीएम शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल हमारे यहाँ पर दिए। हमारे यहाँ पर पूर्ण पुनियाएँ, सड़कें अथा विकास के जो काम हुए हैं। तो ये हरदीप सिंह डंग, जिन्होंने का कहना है कि जो तमाम बीजेपी ने विकास किया है उनकी उन्हीं मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में एक बार फिर से जाएंगे। दीपक शर्मा, आईबीसी 24, मंदसौर।